कोमल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मैटरनिटी वियर, और इसके साथ अगर आपका डिलीवरी होने वाली है रिसेंटली तो आपको कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जो अगर आपको चाहिए वो सारे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रिसेंटली मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो उस वक्त मुझे कुछ चीज़ों की नेसेसरी थी और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से खरीदे थे। तो मैंने सोचा कि अगर आपको भी डिलीवरी होने वाली है तो आपको ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, तो उसी पर्पज से ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली मतलब मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो इसको यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट ज़रूर से करना अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ देखना चाहते हो। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन से है और सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करनी है। तो नाउ सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट्स बाय किया है वो है कुछ मैटरनिटी गाउन्स, क्योंकि जब भी आपका बेबी डिलीवर होने वाला है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो सबसे पहले आपको एक अच्छे से मैटरनिटी गाउन की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहे, इसका जो फैब्रिक है वो भी अच्छा रहे, एंड अगर आपको तुरंत बेबी को फीड कराना हो तो भी उसमें इजी रहे। उसी पर्पज से मैंने खरीदा है कुछ इस तरह का, ये पीहू ब्रांड से एक मैटरनिटी गाउन। तो कुछ इस तरह से पूरा पीच कलर में डॉटेड में आपको ये वाला गाउन मिल जाता है, एंड इसके फ्रंट सेक्शन में आपको इस तरह से ये वाली जो प्रेस बटन होते हैं कुछ इस तरह से मिलता है, तो आप इजीली बेबी को फीड करा सकते हो। नाउ इसके फैब्रिक की बात करूँ तो ये टोटली कॉटन प्लस हॉजियरी मिक्स काइंड फैब्रिक है जो कि समर में भी बहुत कंफर्टेबल है, और प्लस मुझे इसका फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल लगा। नाउ ये इसकी जो प्राइस है वो 899 रुपीज़ है, मुझे लगा था थोड़ा कॉस्टली है बट प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो एक अच्छे से गाउन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और ये पूरे ड्यूरिंग समर सीजन में भी आप इसको पहन सकते हो तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और मोस्टली आजकल क्या होता है कि आपको मैक्सी लेंथ या तो मिनी लेंथ के गाउन मिलता है, बट इस गाउन की जो लेंथ है वो काफ लेंथ है। पर्सनली मुझे इस तरह के काफ लेंथ के गाउन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। सो अगर आपको भी पसंद आते हैं तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हो, और इसमें बहुत सारा कलर वेरिएशन है, सो एक बार उसको ज़रूर से चेकआउट कर। नाउ नेक्स्ट मैंने अगेन एक मैटरनिटी गाउन खरीदा था। मैंने सोचा था कि जब भी अगर आपका ओटी होता है मतलब ऑपरेशन थिएटर में आपको कुछ पहनना पड़ता है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो आप कुछ इस तरह के गाउन पहन सकते हो, एंड ये जो गाउन है वो बहुत मतलब चीप क्वालिटी का है और बहुत ही लाइक सस्ता वाला है। तो अगर आपको डिलीवरी के दिन अगर हैवी ब्लड फ्लो होता है और अगर आपका गाउन खराब हो जाता है तो मतलब ईजिली आप इसको यूज एंड थ्रो भी कर सकते हो। उसी क्वालिटी मतलब उसी वजह से मैंने एक सस्ता वाला गाउन भी खरीदा था, ये मुझे कुछ 250 रुपीज़ के अराउंड मिला था। और ये देखिए कुछ इस तरह से, और इसकी खास बात ये कि मुझे वन डे डिलीवरी में मुझे मिल गया था एंड ये मुझे 250 रुपीज़ के अराउंड मिला था। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी मतलब अलग अलग कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। नाउ इस तरह से आपको फ्रंट में मिलता है, बटन डिटेलिंग भी मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको साइड पे जिप मतलब चेन भी मिल जाती है, एंड पूरा मैक्सी लेंथ का गाउन है। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो आप इस तरह के भी गाउन खरीद सकते हो। तो मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी कि एक सस्ता वाला ज़रूर से लीजिए, क्या क्योंकि अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको इजीली यूज़ एंड थ्रो भी कर सकते हो, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। नाउ नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है कुछ इस तरह से न्यू मॉमी सैनिटरी पैड। तो जिस दिन आपका बेबी डिलीवर होता है उसी दिन अगर आपको हैवी फ्लो भी होता है तो ये आपको नॉर्मल जो सैनिटरी पैड होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो को भी स्टोर करता है, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और इसकी जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा डबल मतलब लार्ज होता है। इसमें आपको टोटल 5 पैड्स प्लस एक डिस्पोजेबल पैंटी भी मिल जाती है, और ये टोटल आपको 4 के कॉम्बो में ही खरीदना पड़ता है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप इस तरह के जो सैनिटरी पैड्स है उसको ज़रूर से रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके बाद मैंने ख़रीदा है एक ज़िवामे का नाइट सूट जो कि स्पेशली मैटरनिटी वियर के लिए है, और इसमें इसका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। सो ये तो अभी मैंने यूज़ नहीं किया है बट इसको यूज करने वाली हूं, क्योंकि जब भी बेबी को रात को फीड कराना होता है तो इस तरह के कंफर्टेबल नाइट सूट की डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। तो अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई दिखा रही है, लेकिन ये आपको इजीली 900 के अराउंड मिल जाएगा अमेजोन से, और ज़िवामे की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। और इस तरह से ग्रे कलर में है, आपको आगे की साइड पे इस तरह से लेस डिटेलिंग मिल जाती है, एंड ये देखिए यहाँ आपको इलास्टिक एंड इस तरह से फीड कराने के लिए ये वाला पोर्शन भी मिल जाता है। सो मैं इसको
आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ। इस तरह के नाइट सूट आप बहुत सारे अवेलेबल है अमेजोन पे, तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पसंद आता है तो जरूर से बाय कीजिए। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद मैंने एक बेबी प्रोडक्ट खरीदा है और ये भी काफी ज्यादा यूजफुल मुझे लगा। तो ये है एक बेबी इस तरह से होल्डर, बेबी जब डिलीवर होता है तब उसको आप घर लाते हो या फिर उसको कहीं हॉस्पिटल ले जाते हो, कहीं भी ले जाते हो तो इसमें कैरी करके ले जा सकते हो। और इस तरह से मैंने ये वाला सी ग्रीन कलर खरीदा है और इसमें आपको इस तरह से दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। 550 रुपीज़ इसकी MRP है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो बहुत सारे वेरियंट्स अलग अलग होते हैं अलग अलग प्राइस के, लेकिन क्वालिटी सभी में डिफरेंट होती है। सो इस वाले की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे भी आपको ये चेन मिल जाती है और यहाँ पे भी मिल जाती है। सो टोटली आप इसको एक बेबी का गद्दा भी बना सकते हो ओपन करके कुछ इस तरह से। एंड दूसरा वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको पूरी नेट के साथ मिलता है, तो जब रात में बेबी सोता है तो मतलब मॉस्किटो से डर की वजह से अगर आप इसमें भी सुला सकते हो एंड काफी अच्छी तरह से सो सकता है। ये दोनों मुझे काफी सही रेट में मिले हैं एंड मैं इसको आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ। सो ये था आज का ये कुछ मैटरनिटी और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, मुझे सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। सो मैं ये आपको भी सजेस्ट करती हूँ। ये तो कुछ मिनिमल प्रोडक्ट्स है जो इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया, बट इसके अलावा भी अगर आप अपने हॉस्पिटल बैग में क्या कैरी कर सकती हो इसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड यस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।